तो हम हमारा जो पिछला लेक्चर है उसमें हम स्मार्ट आर्ट के बारे में देख रहे थे। इस लेक्चर में हम उसके आगे देखते हैं, जैसे हमने स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग तरह के स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे। जैसे सर्कल में आपको चाहिए तो आप इस तरह का स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, आप अलग अलग कलर देख सकते हैं, और साथ ही अलग अलग तरह के और स्मार्ट आर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अलग अलग तरह के डिजाइन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग। अब आपको यहाँ लिखना है तो आप सिंपली इसे क्लिक करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से मैं अलग अलग तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट जो टेक्स्ट है वो एनिमेटेड फॉर्म में हमें दिखे या अलग अलग दिखे, ये भी अगर मैं एनिमेशन इस पे लगाऊंगा तो ये एनिमेशन जो है वो कंबाइंड एनिमेशन होगा, मतलब पूरे पे एनिमेशन लगेगा। जैसे देखेंगे अभी हम प्लॉट इन किया हमने, तो अभी आप देखेंगे जैसे ये एनिमेशन आया तो ये पूरे जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर आया। अब मैं चाहूंगा पहले ये एनिमेशन आए, फिर उसका एनर्जी दिखे, फिर उसका टेक्स्ट, फिर ये अगला वाला एरो जो है आए, फिर टेक्स्ट दिखे। तो उसको मुझे करने के लिए क्या करना होगा, इससे पहले मुझे अनग्रुप करना होगा। ये अभी ग्रुप है तो उसे मुझे अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप ये दिखा हुआ है, इसमें आप यहाँ अनग्रुप क्लिक कर देंगे। अब अनग्रुप पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी अनग्रुप हुआ है या नहीं, यहाँ से देख सकते हैं। ये अनग्रुप करते हैं हम, अब यहाँ पर ये अनग्रुप हुआ है। तो अब आप जब अनग्रुप करेंगे तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट सब दिखाई देंगे, जब ग्रुप करेंगे तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट एक सेम एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो अब मुझे एनिमेशन अगर लगाना है इस पर तो यहाँ पर मैं वाइप एनिमेशन यूज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अलग डायरेक्शन से यूज कर सकता हूँ। ये फिर टेक्स्ट जो है ये मैं इसको अपियर कर देता हूँ या फ्लाइन, जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं तो उससे आप यूज कर सकते हैं। प्लॉटिंग करना है ये हो जाएगा, तो फिर इसे वापस मुझे वाइप एनिमेशन यूज करूंगा, तो ये इस तरह से। फिर यहाँ पे आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं, तो यहाँ आप बॉटम पे करना है ये। तो अभी मैं यहाँ पर प्रीव्यू करके आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह से आप जो है बाकी पे भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं करके बता ही देता हूँ इसको। यहाँ पे आप फिर इसे फ्लाइन कर लीजिए, और ये वाला जो है इस जो अगला वाला जो एनिमेशन है जो ये टेक्स्ट है इस पर वाइप एनिमेशन यूज कर लेंगे। फिर इस पर यूज कर लेते हैं वाइप एनिमेशन, और ये ऑलरेडी है। अब आप देखेंगे तो ये पूरा एनिमेशन आपको दिखाई देगा, देखिए। तो इस तरह से आप एनिमेशन इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमने स्मार्ट आर्ट के साथ में आपको एनिमेशन करके बताया कि किस तरह से हम करना, आपको उसके लिए अनग्रुप करना होगा। उसे अनग्रुप करने के बाद में आप इसमें एनिमेशन पेन पे जाके एनिमेशन बटन पे जाके इसे एनिमेशन यूज कर सकते हैं। अब इंसर्ट बटन में ही और ऑप्शंस को हम देखते एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि चार्ट का। अब देखिए आप इसमें कुछ चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर पाएंगे, यहाँ आप क्लिक करें चार्ट बटन पे, तो यहाँ आप इस तरह से इंसर्ट चार्ट। अब देखिए आप यहाँ पर अगर कोई चार्ट को लाना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के यहाँ पे दे रहे हैं, लाइन, पाई, पाई चार्ट अगर आपको यूज करना है, बार चार्ट यूज करना है, एरिया यूज करना है, तो अलग अलग तरह से आपको दे रखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें कोई एक ये वाला मैं यूज करके देखूं इसे। तो यहाँ पे चार्ट पर आप क्लिक करेंगे, और ये मैंने क्लिक किया। अब जैसे आप क्लिक करेंगे इसके साथ में एक्सेल जो फाइल है वो भी जो है वो ओपन होगी, तो उस एक्सेल फाइल में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ये चार्ट बनता है। तो अभी ये मैं आपको बताता हूँ, ये अभी ओपन हो रहा है, ओपन होने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो वेट फॉर 1 मिनट, ओपन हो रहा है ये। साथ ही स्मार्ट आर्ट हमने देख लिया है यहाँ पर। गेट एड इन मतलब ये है कि यहाँ पर जो एड इन्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये बताऊंगा अभी कुछ देर में, देखिए अभी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, तो ये यहाँ पे आपको कॉलम ए में आपको दिखाई देगा कैटेगरी 1, 2, 3, 4, ये दिख रखा। साथ ही सीरीज 1, 2, 3 ये आपको दिखाई देगी।
ये वन सीरीज वन टू और थ्री, ये तीन अलग अलग कलर दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आप चेंज करेंगे तो ये आपका डेटा चेंज होगा। जैसे जैसे 7 9 करता हूँ, यहाँ आप चेंज करेंगे जो एडिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू भी चेंज होगी। तो आप देखेंगे मैंने सीरीज वन जो है, ये सीरीज वन जो है इसको मैंने ब्लू वाला सीरीज वन है, यहाँ आपको दिखाई देगा ब्लू सीरीज वन, सीरीज टू आपका ये वाला है और सीरीज थ्री इस कलर का है। तो यहाँ आप जो भी वैल्यू चेंज करके आप अपना जो चार्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। चार्ट में भी आप चाहते हैं कि एनिमेशन देना तो वो भी हम यहाँ पर इसको अनग्रुप करके उसी तरह से जिस तरह से मैंने वहां बताया था उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये चार्ट किस तरह से होता है यूज, ये हमने देखा यहाँ पर। और ये चार्ट का यूज है यहाँ पर। अब हम देखेंगे अगला ऑप्शंस जो है वो एडिंस से, आप कोई भी नए एडिंस जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। हाइपर लिंक हम देखेंगे अब। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में यूज करता हूं फॉर फर्दर डिटेल इस, सॉरी डिटेल इस क्लिक हियर। अब ये जो क्लिक हियर आपने लिखा है, इस क्लिक हियर को मैं जब क्लिक करूं, और आप चाहते कि वेबसाइट ओपन का होना चाहिए या फिर और कोई डॉक्यूमेंट अगर ओपन आप करवाना चाहते हो तो वो कैसे होगा वो हम बताएंगे। जैसे मैं क्लिक हियर को ओपन करूं और अगली स्लाइड जो है उसका अगली स्लाइड ओपन हो जाए, ठीक है, इस तरह से कुछ अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। पिछली स्लाइड या स्लाइड में आप कुछ देखना चाहते हैं, वेबसाइट कोई ओपन हो जाए, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट ओपन आप करना चाहते हैं तो वो आप हाइपर लिंक थ्रू जो है इसे लिंक कर सकते हैं। देखेंगे आप क्लिक हियर पर मैं यहाँ जाता हूँ और इंसर्ट बटन पर ही लिंक ऑप्शन जो है इसको क्लिक करता हूँ। जब इंसर्ट बटन पर ही लिंक बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई लिंक इसके साथ एसोसिएट करना है, ठीक है, तो वेब लिंक्स को मैं यहाँ पर www.google.com लिखना चाहता हूँ। जैसे ही मैं उसे क्लिक करूँ तो google.com ओपन। तो ये कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये हाइपर लिंक बन चुकी है। तो मैं इसे अब स्लाइड शो करता हूँ। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सीधे गूगल की ओर जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो स्लो होने की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये गूगल पर आपको लेके जाएगा। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो चुका है और यहाँ गूगल ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये आप देख सकते हैं गूगल ओपन हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में गूगल ओपन हो चुका है, जैसे ही हमने गूगल वहां पर हाइपर लिंक उससे अटैच किया तो ये वो दिखाई दिया। रिमूव करना है हाइपर लिंक को तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रिमूव लिंक कर देंगे तो ये देखिए लिंक आपका। अब मैं चाहता हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट से लिंक करूँ तो वो कैसे करेंगे, हम इसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर लिंक पर हम जाएंगे। लिंक पर हम गए, यहाँ लिंक पर जाने के साथ ही कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसे आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसे यूज। जैसे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये कोई एग्जिस्टिंग फाइल ऑलरेडी है मेरे पास तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे स्लाइड शो करता हूँ, आप क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाए। तो ये देखेंगे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो ये आप हाइपर लिंक के थ्रू जो है इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं चाहूंगा कि
वापस इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हाइपरलिंक। देखिए अब हम देखेंगे लिंक में ही और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आप अगर कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके यहीं पे क्रिएट करके और इससे लिंक करवाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। साथ ही प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अब देखिए ये इसमें क्या होगा कि इसे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो डॉक्यूमेंट आप जो यूज कर रहे हैं इसी डॉक्यूमेंट में आप किसी स्लाइड को इससे लिंक करना चाहते हैं तो वो हो सकता है आपका। जैसे ये 18वीं स्लाइड पर हम यूज अभी काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जब इसे क्लिक हियर पे क्लिक करें तो 17वीं जो ये आप देख रहे हैं ये वाली, इस पर ये लिंक हो जाए। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, ये 17वीं आप इसको देख भी सकते हो साइड प्रीव्यू में, वैसे मैं ओके कर देता हूँ। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही मैं क्लिक हियर करूंगा तो आप देखेंगे 17वीं स्लाइड ओपन हो चुकी है। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई सी भी स्लाइड जो है उसे आप लिंक करवा सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक का यूज होता है। हाइपर लिंक के यूज के बाद में हम देखेंगे कमेंट ऑप्शन। कमेंट ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बताया था वैसे, लेकिन एक बार और मैं बताता हूँ कि कमेंट ऑप्शन, जैसे आपको यहाँ पर कमेंट देना है कुछ, तो आप यहाँ दे सकते हैं कमेंट कि क्लिक हियर इज रॉन्ग, लाइक अगर हम इस तरह से कुछ राइट अदर वर्ड इस तरह से करके हमें लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा। तो अब आप क्या करेंगे कि जब ये फाइल किसी को भेजेंगे तो यहाँ जब वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको वो जो कमेंट है वो दिखाई देगा। तो ये हमने कमेंट का यूज देखा। फिर टेक्स्ट बॉक्स को मैं ऑलरेडी बता ही चुका। हेडर और फुटर को हम देखते हैं, हेडर फुटर का क्या यूज है। जैसे हेडर फुटर का हम ये आप देखेंगे, हेडर और फुटर, फुटर ये आपको नीचे की तरफ ये जो होता है इसको फुटर कहते हैं, और हेडर जो है ना ऊपर की तरफ जो होता है उसे हेडर कहते हैं। तो हेडर फुटर को हम अगर जैसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो है यहाँ पर स्लाइड में ऊपर की ओर ये बताएगा। जैसे डेट एंड टाइम आप इसमें लेना चाहते हैं, ठीक है, स्लाइड नंबर इसके साथ में अटैच करना चाहते हो। फुटर पर आप क्या लिखना चाहेंगे कि जैसे मेरा नाम लिखना चाहता हूँ मैं, तो हर स्लाइड पे आपको अगर ये चाहिए तो इस तरह से आप इसको अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये आपको हेडर और फुटर की सेटिंग हो जाएगी। देखिए आप यहाँ हेडर ये आपको दिखाई देगा, हेडर और फुटर पे पेज नंबर डेट ये सभी आपको दिखाई देंगे। तो ये हेडर और फुटर हुआ। साथ ही वर्ड आर्ट का हमने यूज देख ही लिया है। स्लाइड नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं यहाँ से अलग से भी, डेट एंड टाइम भी हम अलग से डाल सकते हैं, हेडर फुटर में तो है ही, लेकिन अलग से डालना चाहे तो हम अलग से भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट फीचर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं कि कोई फाइल आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और उसे जो है ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर तो ओपन कर सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर ये फाइल ओपन करना चाहूंगा ई टेक्स्ट वाली, ये जैसे ये देखिए। तो मैं किसी फाइल को ओपन करना चाहूंगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बटन क्लिक करूंगा, और डिस्प्ले आइकॉन के रूप में डिस्प्ले करना चाहते हैं या लिंक के, या फिर आप एज इट इज जो टेक्स्ट है जो फाइल है उसको यूज करना। तो ये आप, हमने एज इट इज लिया है, उसको थोड़ा सा टाइम लेगा इस पर ये लोड होने में। जैसे ये लोड लेता है अभी हम देखेंगे कि जो फाइल टेक्स्ट जो फाइल है या जो वर्ड फाइल है वो आपको यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई देगी। इट विल टेक सम टाइम। और इसी के साथ में हम ऑब्जेक्ट से जो है कोई वीडियो फाइल भी ओपन करना चाहते हैं, या इस तरह से जो भी फाइल हम ओपन करना है वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद इक्वेशन जो है वो हम देखेंगे, इक्वेशन में या सिंबल इंसर्ट किस तरह से की जाती है, और साथ ही वीडियो और ऑडियो किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं वो हम जो है अगली स्लाइड में देखेंगे। इस बीच अगर ये ओपन होती है तो हम इसे जरूर देखना चाहेंगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि लोडिंग में। तो इस तरह से हम ये कुछ और ऑप्शंस को जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा इंसर्ट टैब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसमें डिजाइन और एनिमेशंस जो है इस पर एम्फेसिस करेंगे। देखिए ये हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी फाइल जो है वर्ड फाइल, उसे डबल क्लिक करेंगे तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो यहीं पे आप इसे एडिट भी कर सकते हैं डबल क्लिक करेंगे तो, ये आप देखिए। तो यहाँ आप ये देखिए, अब ये पूरा वर्ड का जो है एडिटिंग आ चुकी है। तो अब आप यहाँ एडिट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे एडिट करना है तो एडिट कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं इसे बड़ा करके,
एडिट हो सकता है। तो ये आपको मैंने बताया ऑब्जेक्ट का यूज, ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम यूज करते हैं।